सॉफ्ट कंप्यूटिंग हर उस जगह काम आती है, हर उस जगह काम आती है जहाँ अनसर्टेनिटी है ना। जैसे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि वो सिस्टम है ना, वो सिस्टम खुद से इनपुट ले, खुद से डिसीजन ले रहा है। हम लोग पुरानी जो हार्ड कंप्यूटिंग थी उससे मैकेनिकल मशीन तो बना सकते हैं जो एक फिक्स फॉर्मेट में ही काम करेगी, लेकिन अगर हमें अलग अलग फॉर्मेट पे काम करवाना है ना, अलग डिसीजन प्राप्त करते हैं। जैसे हम लोग हार्डवेयर प्रोग्रामिंग बहुत पहले से देखते हैं, टीवी में, वॉशिंग मशीन में, एसी में, हम लोग वॉल्यूम का बटन दबाते हैं वॉल्यूम बढ़ जाता है, चैनल का बटन दबाते हैं तो हार्डवेयर होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेंगे, जिस टाइप से इनपुट मिलेगा उस अकॉर्डिंग से हमारे आंसर आएंगे। जैसे ह्यूमन ब्रेन है, अपन घर से चलते हैं तो कॉलेज के लिए चलते हैं, घर से आ रहे थे कॉलेज, बस से आ रहे थे कॉलेज, बस पंचर हो गई तो हमने तुरंत दूसरा डिसीजन ले लिया कि अगर तुम सवारी ऑटो कर लेते हैं उससे चलते हैं, सवारी ऑटो में अपने वहाँ गेट रोड पर उतार दिए, उसके बाद से हम लोग पैदल जो वहाँ से आ गए। तो ये कौन, हम लोग खुद ही इनपुट लेते जा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट मतलब आगे प्रोग्राम परफॉर्म करते जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी यही होता है ना। अब सॉफ्ट कंप्यूटिंग में चूँकि हर चीज़ अनसर्टेन है, मतलब फिक्स इनपुट नहीं है, है ना। जैसे हमारे ब्रेन में आजूबाजू सराउंडिंग में नहीं आ रहा, तो उसको सॉल्व करने के लिए तीन एल्गोरिथम्स, तीन टाइप के एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं। एक तो करते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का, दूसरा फ़ज़ी लॉजिक का, और तीसरा जेनेटिक एल्गोरिथम।